असम में एनआरसी का फाइनल मसौदा प्रकाशित होने के बाद पड़ोसी राज्य नागालैंड को भी राज्य में अवैध घुसपैठ का खतरा महसूस हो रहा है। पार्टी कार्यालय में न्यूज 18 से बातचीत करते हुए विपक्षी नेता टीआर जेलियांग ने असम में एनआरसी के सत्यापन को लेकर अपनी आशंका जताई। जेलियांग ने इस बात पर भी जोर दिया कि इस मुद्दे पर मौजूदा पीडीए सरकार का गंभीर होना जरूरी है। महज अधिसूचनाएं और ज्ञापन अवैध घुसपैठ को रोकने में असमर्थ है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों और प्रशासनिक अधिकारियों को सीमावर्ती इलाकों में तैनात करना चाहिए। Found that this government is not sincere with their commitment, not the demand of the people. So we don't expect much from the present government, any kind of positive development. So you had a meeting today in the morning with the neighboring legislatures also. So what is the outcome of the meeting? Is it in regard to this? The talks that have been going on with you? Yeah, we have discussed on the various contentious issues like NRC and then the citizenship amendment 2016 and then about Naga integration. All this we have discussed deliberately and we have passed resolution which will come out in the local paper. इस साल गोमती जिले में स्वतंत्रता दिवस के रंगारंग आयोजन की योजना है। इस सिलसिले में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें जिला न्यायाधीश तरुण कांति देवनाथ, उदयपुर एसडीएम सुभाषिश बनर्जी, सामाजिक कार्यकर्ता जितेन मजुमदार और अन्य लोग उपस्थित थे। उदयपुर प्रेस क्लब और नेहरू युवा केंद्र के प्रतिनिधि भी बैठक में उपस्थित थे। इस साल पहली बार जिला स्तरीय झांकियों का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित किया जाएगा। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण जगन्नाथ बारी झील में नाव खेल प्रतियोगिता होगा। তারপরে আপনি ফানো শোনা যেতে পারে ওই তিনটা ব্যাপারেই আমরা আজকে সহমত পোষণ করেছি এবং আমরা ডিসিশন নিয়েছি আমরা এই তিনটা জিনিস ইন্ট্রোডিউস করব এবং আমি শুনতে পেরেছি আমরা মাননীয় অনারেবলকে আমি চিফ মিনিস্টারকে আনতে চেষ্টা করেছি আমরা তার জন্য আমরা নৌকা বাস প্রতিযোগিতা থেকে 15 থেকে 14 সরিয়ে এনেছি যাতে ওনার সময় সুযোগ মতো যেন আসতে পারেন 15 তারিখে ওনার পক্ষে আসা সম্ভবই হবে না তো আমরা আশা করবো ওনার উপস্থিতিতে এটা একটা নতুন ডাইমেনশন ক্রিয়েট করবে উদয়পুরের জন্য একটা নট অনলি উদয়পুর ক্ষমতা ডিস্ট্রিক্টের মধ্যেই আর ফানোসের ব্যাপার তো আলাপ করেছি আমরা এটা इकतीस जुलाई की रात को एसडीएम कार्यालय में लगी भीषण आग की सुध लेने उप मुख्यमंत्री जिष्णुदेव वर्मा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बीराजीत सिन्हा, आईजीपी श्रीजेश, दो विधायक रंजीत दास और सिंधु कुमार जमातिया गोमती जिले के अमरपुर सब डिवीजन पहुंचे। उप मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से भयभीत न होने की अपील की। आगजनी की इस घटना में एसडीएम कार्यालय का 90% हिस्सा जल गया था जिसमें सभी आवश्यक फाइलें जल गई थी। हालांकि आग लगने की वजह का कोई पता नहीं चल पाया है। ঠিক না আপনাদেরকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে তো লাভ নেই একটা ঘটনা ঘটে গেছে ঠিক না দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটে গেছে একটু অসুবিধা হতে পারে কিন্তু হয়ে যাবে কেউ বঞ্চিত হবে এমন ব্যাপার না কেউ সার্টিফিকেট পাবে না এমন হবে না সার্টিফিকেট নিয়ে গুলমাল হতে জায়গার কাগজে চিন্তা করবেন না একদম জায়গার কাগজ গভর্নমেন্টের কাগজ অনেকখানে থাকে ঠিক না সেটা লিঙ্ক আপ করে আবার তৈরি করা যাবে তসুলি আছে আপনাদের কাগজ করেন তাদেরকেও কিছু কিছু সন্দেহভাজন থাকলে তাদেরকেও ইয়ে করা দরকার জিজ্ঞাসাবাদ করা
আমাদের ধারণা হয়েছে এটা একটা নাশকতামূলক। मेघालय के पर्यटन स्थलों की खास बात है यहाँ का स्वच्छ परिवेश। पूर्वोत्तर राज्य मेघालय का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है शिलांग, जहाँ सर्द हवाएं इन गर्मियों के दिनों में भी आपको राहत महसूस कराएंगी। कुल मिलाकर प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है शिलांग, जहां साल भर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। ईस्ट खासी जिले के पर्यटन स्थलों को साफ सुथरा और आकर्षक बनाने के लिए जिला न्यायाधीश ने एक आदेश जारी करते हुए 40 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलिथीन बैगों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। शिलांग एक बहुत ही साफ सुथरा जगह है। यहाँ के जो बासिंदे हैं सफाई पसंद लोग हैं। बाकी जगह से अगर हम कंपेयर करें तो शिलांग काफ़ी साफ सुथरा है। नहीं, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और ये तो होना ही चाहिए। जिस ढंग से प्लास्टिक के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी जा रही है सभी स्टेट्स में, तो ये अगर मेघालय में भी स्टार्ट किया जा रहा है तो बहुत अच्छा है। जो भी टूरिस्ट आता है यहाँ पे अच्छे से मेंटेन करता है, जितना भी प्लास्टिक बैग्स प्लास्टिक बॉटल्स आ जाता है वहाँ पे डस्टबिन रखा हुआ है, डस्टबिन में ही रखते हैं लोग, कहीं उधर वहाँ फेंकते नहीं, कहीं पर गंदगी बिल्कुल नहीं करते हैं। बहुत अच्छे से मेंटेन करता है और यहाँ के जो स्टाफ है उन्हें भी बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है। प्लास्टिक मना कर लगे बहुत मानने प्रब्लेम है प्लास्टिक मैं भल भल लगे ये आम निजे आना ना मैं बेलेगको आन नाले निजे निजे जानव लगे ये प्लास्टिक प्रब्लेम है।